Assalamu alaikum viewers. Today my lecture in on finance, and welcome to all of you in advanced lecture series. Finance, the art of managing the money is called finance. Basically, the art of managing the money is called ये आर्ट है कि मैनेजिंग द मनी. द रोल ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम बिफोर 1950s. आफ्टर 1950 द रोल इज चेंज. नॉट नो पीपल यूज कैश. बिफोर 1950 पीपल यूज थिंग्स. वाटर सिस्टम इज यूज. सो द रोल ऑफ फाइनेंस इज चेंज आफ्टर 1950s. एंड नो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी इज कॉल्ड फाइनेंस. अच्छा, इसके क्या होते हैं कि फाइनेंस में क्या होता है. फाइनेंस में होते हैं तीन चीज़ें, ठीक है. इसमें है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं या किसी के पास फाइनेंस होता है तो वो तीन चीज़ें माइंड में रखते हैं. कीप इन माइंड थ्री थिंग्स. फर्स्ट, आइडेंटिफाई मनी. सेकेंड है यूटिलाइजेशन. थर्ड होता है इसका रिवॉर्ड. सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई या फाइंडिंग. फाइनेंस क्या है? आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी है ना. फ्रॉम वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई मनी और फ्रॉम वेयर वी हैव फाइंड द मनी, कलेक्ट द मनी. ओके, आफ्टर दैट वी कीप इन माइंड द हाउ टू यूटिलाइज दिस मनी. इफ़ वी फाइंड द मनी देन हाउ टू यूटिलाइज दिस मनी, दिस इज इंक्लूडिंग फाइनेंस. आफ्टर दैट वी वॉन्ट रिवॉर्ड. वी वॉन्ट रिवॉर्ड फ्रॉम दिस मनी आफ्टर यूटिलाइजेशन. कोई भी चीज़ हो हम रिवॉर्ड मांगते हैं ना, तो इस तरह जब हम मनी स्पेंड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका हमें रिवॉर्ड भी मिले. मतलब अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. उसके बाद हम बताएंगे कि बिजनेस क्या होता है. बिजनेस क्या है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है. इसमें एक पर्सन होता है क्रेडिटर और एक होता है बायर और परचेजर, ठीक है. एक सेल करता है, दूसरा परचेज करता है. बिजनेस यही लीगल एक्टिविटी है टू पर्सन के दोनों. तो फाइनेंस पूरे बिजनेस को कवर करती है, ठीक है. फाइनेंस में बिजनेस की ओवरऑल डिटेल्स होती है, कैसे मनी कलेक्ट करनी है, उसको यूटिलाइज करना है, उससे रिवॉर्ड लेना है, मतलब कैसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है. बिजनेस की होती है तीन टाइप. बिजनेस की टाइप्स हैं, एक तो सोल, ठीक है. एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी, ठीक है. सोल ये है कि सिंगल पर्सन इसको रन करता है. सिंगल पर्सन इसका जिम्मेदार होता है, इसके लॉस का, प्रॉफिट का. इसमें डिसीजन मेकिंग भी ये इतना कुछ नहीं ले सकता, उसके डिसीजन भी ठीक नहीं होते, ठीक है. बाजू पाती से लॉस भी होता है. अगर लॉस हो तो इसको इवन ही हैज़ टू सोल्ड हिज एसेट्स टू फुलफिल द लॉस ऑफ द बिजनेस. और पार्टनरशिप में यू हैव टू आर मोर पर्सन एंटर इन बिजनेस रिलेशनशिप टू रन द बिजनेस. इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दे एंटर टू रन द बिजनेस. वो बिजनेस रन करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है. वो दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इक्वली. दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, ओके. अगर लॉस होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस में वो मिल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. इसमें डिसीजन मेकिंग की कुछ होती है. इसके अलावा कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है. ये एक इसकी अपनी कॉमन सील होती है,
ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द कंपनी। तीसरा फाइनेंस में, इसके अलावा फाइनेंस में और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। और इसमें होता कौन कौन है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं कंपनी के, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस यही है कि हमने कैसे मनी को मैनेज करना है कि हम बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकें। फाइनेंस इन डिटेल वी डिस्कस इन डिटेल सो इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।